दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम। आपका एक बार फिर से स्वागत है अक्रम विज्ञान यानी स्टेपलेस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की दुनिया में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, कभी लगता है मंदिर या गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च में जाकर हम क्या मांगे? क्या हर जगह अलग अलग प्रेयर्स करें? ये आय और माय की नॉलेज, ये फर्क कैसे जाने? क्या प्रोसीजर है इस ज्ञान को पाने का? और जब हम बॉडी और सोल को अलग अलग जान पाएंगे तो कैसा आनंद, कैसा पीस मिलेगा? तो क्या आप तैयार हैं इस अमेजिंग फीलिंग को महसूस करने के लिए? तो चलिए हमारे चहेते आत्मज्ञानी की बातों से इस सुख का अनुभव करें। ये ज्ञान विधि से जो ये होता है, जो एक्सपीरियंस आता है, वो उसका आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? अज्ञान का तो एक्सपीरियंस है ही आपको, राइट? अज्ञान में क्या होता है, मैं रघु हो, यह आपके अंदर रहता ही है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है आपको, जाप मंत्र ध्यान कुछ नहीं करना पड़ता है। तो जो चेंज होता है वह आप रियल में नहीं है, चेंज होता है वह सब रिलेटिव है, टेम्पररी है। टेम्पररी को आप परमानेंट समझ के चलते हो, इसे ही अज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान में तो परमानेंट चीज़ जो है उसको आप पहचानते हो, उसमें आप स्थिर रहते हो। ज्ञान मिलने के बाद यह होता है परमानेंट चीज़ जो आपका स्वरूप है, शुद्ध आत्मा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वह स्वरूप मैं हूँ, यह अवेयरनेस रहती है। अभी जैसा मैं रघु हूँ ऐसा अवेयरनेस में रहता है ना, वैसा मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, यह अवेयरनेस में रहता है। वो भी स्पॉन्टेनियस रहता है, एफर्टलेसली रहता है। उसके लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता है, ये कोई करने कराने की चीज़ नहीं है, यह जानने की चीज़ है। समझ में? आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है और कुछ नहीं है। बिगैर ज्ञान किस तरह से वह पहचाना जाएगा? ज्ञान प्राप्त होते ही उसकी पहचान हो जाती है और वह हमारे साथ रहता है। और यह रियल चीज़ होने की वजह से हमेशा के लिए यह अवेयरनेस रहती है हमारे साथ, और अंदर से ही स्वयं वंस अवेकनिंग आत्मा की हो जाती है तो भीतर से ही उसकी अवेयरनेस रहती है। वो एक्सटर्नल साधन से कुछ अवेयरनेस लाना नहीं पड़ता है, स्वयं अंदर से ही आता है। दैट्स द रियलिटी। बाकी तो सब एफर्ट्स है, साधन है, साध्य नहीं है। तो दोस्तों, अपने अंदर के भगवान को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। क्या आप अपने भगवान की पहचान करना चाहते हैं? तो इसका रास्ता बेहद आसान है। कैसे? बस एक ऐसे आत्मज्ञानी को ढूंढो जिसने अपने अंदर के भगवान, रब, खुदा या गॉड, आप जो मर्जी कह लें, उसे जान लिया है, आत्मा यानी सोल की आवाज को सुन लिया है, जो कई मटेरियलिस्टिक चीजों से इस दुनिया में दब गई है। तो चलिए ऐसे ही आत्मज्ञानी हमारे चहेते दीपक भाई हमें बताएंगे ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर आखिरकार है क्या। क्या पूछना चाहते हो? हाउ टू रीच द रीच ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, हाउ टू रीच ज्ञान मार्ग, ये ट्रांसलेशन किया होगा लिखने वाले ने, कुछ गड़बड़ किया है।
आपका प्रश्न बराबर है। ये ज्ञान मार्ग में जाने के लिए ये बात तो हो चुकी है कि आत्मज्ञानी के पास आप आ ही गए हो, दादाजी का ज्ञान आपको मिल जाएगा तो आपको ज्ञान प्राप्ति हो ही जाएगी गारंटी से, अभी दूसरी जगह जाने का कोई बाकी रहा नहीं। आपको दिल तो कबूल होता है ना, यहाँ टीवी में देखे हैं प्रोग्राम निरुमा के, तो दिल से कबूल होता है ना कि नहीं इनके पास कुछ है जो मुझे चाहिए। तो ये ज्ञान मार्ग का ही रास्ता है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान अपनी भाषा में गुजराती इंग्लिश हिंदी वाली अपनी भाषा में वही आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा, वही जागृति मिलेगी, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा वही मिल जाएगी, दिव्य चक्षु वो भी मिल जाएंगे, सब यहाँ आपको मिल जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। जय सच्चिदानंद। आई टू सी टीवी प्रोग्राम ऑफ निरुमा, आई केम हियर फॉर ज्ञान विधि। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ज्ञान विधि, हाउ कैन वी गेट ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 2 आवर्स, प्लीज एक्सप्लेन। ये ज्ञान विधि की प्रोसीजर क्या है कि भाई साहब से थोड़ी देर पहले ही बात हुई, सेपरेट आई एंड माई, तो आई एंड माई का मिक्सचर हो गया है। आई मीन्स यू योर सेल्फ एंड माई मीन्स बिलोंगिंग्स, माई बॉडी, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई प्रॉपर्टी। तो ये दोनों का मिक्सचर हो जाने से भ्रांति खड़ी हो गई है। भ्रांति को निकालनी नहीं है, दोनों का मिक्सचर में से सेपरेट करना है। जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर मिक्सचर में है, उसको सेपरेट करना है तो क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ को पकड़ते हैं, उनके पास प्रयोग है, जानकारी है, अनुभव है, वो गोल्ड को और अदर एलिमेंट को सेपरेट कर सकता है। यहाँ दादा भगवान का वही ज्ञान प्रयोग है, आत्मा अनात्मा को भेद ज्ञान विधि से अलग कर देते हैं। अलग यानी मरने का नहीं है, इसमें रॉन्ग बिलीफ से दोनों इकट्ठा हो गए थे, रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर करने से दोनों सेपरेशन आपको जागृति में आएगा, कन्हैया लाल अलग है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाउ आई स्टॉप न्यू कर्म, वो 5 न्यू कर्म कैसे बांधते थे, मैं ही कन्हैया लाल हूँ और मैं ही करता हूँ, अहंकार से नए कर्म बांधते थे। तो आपको मैं खुद कौन हूँ वो ज्ञान मिल जाता है और कौन करता है उसका भी ज्ञान मिल जाता है, नए कर्म चार्जिंग होना स्टॉप हो जाएंगे। पर मोटिस वो मोक्ष का बात हो गया कि फर्स्ट मोक्ष तमाम दुखों से मुक्ति हो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है, और कर्मों से मुक्ति देह से मुक्ति हो लास्ट स्टेज का मोक्ष है। तो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष यही लाइफ में यही जीवन में आना चाहिए। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadabhagwan.org। दीपक भाई मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पिछली बार ज्ञान लिए थे, मुझे बहुत शांति मिला और करीब दो महीना तक हमको शुद्धात्मा का बिल्कुल टॉप दर्शन आया और बहुत आनंद आनंद में रहे। फिर 2 महीना का बाद में अपना आप सब कहाँ चला गया ये सब हमको मालूम ही नहीं पड़ता, और कृपया ये कैसे फिर दोबारा हमसे हमारा वापस आ जाएगा उसके लिए हमको आशीर्वाद दीजिए। तो 2 महीना आपको जागृति अच्छी रही जी, हाँ बाद में डाउन हो गया, डाउन हो गया, और ऐसे परिस्थिति कभी आता भी नहीं है कैसे वापस ऊंची जागृति आती नहीं है। जागृति तो है लेकिन ऐसा जैसे मैं अलग हूँ, मतलब अनु मेरा नाम है और ये खाना अनु बना रही है, ऐसा सब कुछ होता था पहले 2 महीना इतना अच्छा होता था, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कि ये बच्चे मेरे हैं, ये सब भी मैं भूल गई थी। लेकिन अब ये सब क्या हो गया, लेकिन वो सब बिल्कुल भी नहीं आता है। एक्चुअली क्या है, हमारे ये ज्ञान विधि ऐसी है जी, उसमें कृपा से आत्मा की जागृति शुरू हो जाती है, मगर हमारा क्रोध मान माया लोभ मोह वो सब है, खत्म नहीं होता है, पर आपको अलग बना दिया, बस जुदा कर दिया। अभी ये है तो है ये, पर जब ज्ञान का प्रभाव रहता है तो ये भूगर्भ में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बाद में धीरे 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 वो लोग सर निकालते हैं बाद में। तो ये मोह है डिस्चार्ज है, क्रोध मान माया लोभ डिस्चार्ज है, उसमें से धीरे धीरे कचरा निकलता है। और हमारी ये दिया गया हुआ ज्ञान है और सत्संग का भी परिचय कम रहता है हमें, उसके वजह से समझ लो उस क्रोध आया तो हमें क्या करना चाहिए, किसी ने गलती निकाली तो हमें अपमान लगता है, तो हमें कैसे ज्ञान में रहना चाहिए, वो बराबर नहीं जानने के वजह से वो कचरा वापस हमें असर करते रहता है। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी जो हो गया उसको छोड़ो, पर एक बात जरूर समझ लो कि हमारी जो जागृति 3 शब्द है, अनुभव लक्ष्य और प्रतीति। जब ज्ञान मिलता है तो प्रतीति यानी क्या, भीतर में ख्याल निरंतर रहता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
पर जागृति कम ज्यादा होती है, क्योंकि डिस्चार्ज कर्म क्रोध है, मोह है, लोभ है, फूटेगा तो जागृति कम हो जाती है। तो एक जब क्रोध फूटता है तो क्रोध शुरू होता है, बाद में बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे कम भी होता है। जब कम होता है तब हमें क्या करना चाहिए वो चाबी समझ लो, कि जब क्रोध आएगा भी थोड़ी देर, एक घंटे में आधे घंटे में पूरा भी होएगा, बाद में आपको लगेगा भी गलती हो गई। ऐसा तो लगता भी है, लेकिन क्रोध जिस टाइम आ जाता है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो नहीं करने का, कंट्रोल नहीं करने का है, पर बाद में क्या करना वो समझ लो। वो तो बाद में मेरे को पश्चाताप होता है कि इसको मेरे से दुख लगा। तो अभी आपको पश्चाताप होना चाहिए कि अनु को होना चाहिए? अभी वो जागृति में लो कि अनु ने क्रोध किया, अनु को बोलने का, अनु तो क्यों बच्चे के ऊपर इतना क्रोध करते, चलो प्रतिक्रमण करो और ऐसी गलती नहीं करने का निश्चय करो। और दूसरा उपाय, उस टाइम पे भी प्रतिक्रमण करना और रात को आधा घंटा बैठ के सोने से पहले याद करके सारे दिन में कितने दोष हो गए, सभी की शुद्धात्मा देख के सभी गलतियों की माफी मांगो। रोज इतना 10-15 मिनट आधा घंटा निकालो तो क्या होएगा, रोज का रोज कचरा साफ कर दिया तो आपकी जागृति बढ़ते जाएगी। ये क्या होता है कि 2 महीना अच्छा रहा, बाद में वो जो दिया में हमने घी पूर के रखा था, दिया तो अच्छा चला, बाद में नया घी पूरने का बंद हो गया तो दिया का लाइट कम हो जाएगा जी। तो अभी वापस एवरी डे दर रोज रात को वापस जागृति सेट करने की है। 5 आ गया कहाँ भूल चुक हो गई, कैसे 5 आ गया में रहे, कैसे निर्दोष देखे। दादाजी की किताबें भी हैं, निरुमा की कैसेटें भी हैं, और थोड़ा हमें भी होमवर्क करना पड़ेगा। हमको यही आशीर्वाद दीजिए कि हमको वो पहले जैसे ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। बराबर है, वो रहेगा ही, वो अनुभव तो शुरू हो ही गया है आपको जी। हाँ, सिर्फ अभी कचरा साफ करने का बाकी हो जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। ज्ञान लेने के बाद क्या मोक्ष, क्या लिखा है, प्राप्त हो जाएगा और हमको मालूम कैसे होगा? वो तो अनुभव होता है ना, नहीं एक खंभा रहता है ना, डोरी से बांधा होगा आपको पांव से सर तक, पीछे से एक ही डोरी काटी तो आपको अनुभव होता है ना, हाँ थोड़ा फर्क पड़ गया, नहीं होता है? ओके, तो ऐसा ही अनुभव शुरू हो जाएगा आपका। अभी अभी तो पहला दिन हुआ है, अभी कोई इंसल्ट करेगा, पहले बहुत सफरिंग आता था भुगतान, अभी बहुत शांति लगेगी, धीरे धीरे आपको अनुभव बढ़ेगा, वही आपको बताएगा मैं मुक्त हो रहा हूँ। अभी ब्लंडर्स टूट गए हैं, मिस्टेक आपको निकालनी है। ज्ञान विधि में ब्लंडर्स टूट जाते हैं, 5 आज्ञा में रहने से मिस्टेक खत्म होते जाएगी। 5 आज्ञा इस्तेमाल करते जाओ, थोड़ा थोड़ा चालू किया है ना 5 आज्ञा, ओके हाँ, सबको शुद्धात्मा देखो, हुआ सो व्यवस्थित, फाइल है मेरा मेरा करने का नहीं, अभी मेरी फाइल है संभव से निकाल करना है, सभी को आत्मा स्वरूप से देखो और सच्चिदानंद अलग है, मैं शुद्धात्मा हूँ, जागृति रहो। सच्चा ज्ञान अमूल्य है, प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत ना तो चुकाई जा सकती है ना ही लगाई जा सकती है। दोस्तों, ज्ञान विधि एक तरह का साइंटिफिक मेथड है सेल्फ रियलाइजेशन का, जो कि बेहद आसान है। इसके लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ ही यह सिर्फ डेजिग्नेटेड वेन्यू पर जाकर वहां दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से ही पूरी होती है। तो साथियों, है ना आज के इंस्टेंट दौर में सेल्फ को रियलाइज करने का इंस्टेंट मेथड, और फ्री ऑडियो वीडियो या बुक्स डाउनलोड के लिए या सेमिनार संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.hindi.dadabhagwan.org पर, या कॉल करें 1-877-505-DADA extension 23, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। और हमारे प्रोग्राम टीवी पर देखना ना भूलें, आपका कलर टीवी एशिया या आस्था पर। आज के लिए हमें दें इजाजत, नमस्कार। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी।